क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला ब्लॉग लिखना चाहते हो पर कर नहीं पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अच्छी आदतों को शुरू कर सकते हैं और कैसे आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। समरी को सुनने के बाद डिटेल में पढ़ने के लिए एटॉमिक हैबिट्स को हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में ज़रूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। फर्स्ट, आदत बनती कैसे है? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेजेस में बनती है। स्टेज 1, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्ट देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग। सिग्नल मिलने के बाद आप में उस चीज़ की लालसा जाग उठती है, जिसे हम क्रेविंग भी कहते हैं। स्टेज 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, आप उस काम को करने लगते हो। स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिज़ायर आ सकती है, फिर आप सिगरेट पीने लग जाते हो। स्टेज 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी मतलब प्लेजर का रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। सेकेंड, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑब्वियस मतलब क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो यह डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर है तो आपका टारगेट 500 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि बहुत सा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी गोल बना लें। एक पेज लिख सकते हो तो बोले कि एक पेज डेली लिखूंगी। ऐसा न हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए, फिर एक हफ्ता कुछ भी न लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर ले कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट एक्सेट्रा, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच ले, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखे कि दिमाग क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार बनाइए। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हैं।
जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बोल्डी बिल्डिंग में एक रैप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को कंटिन्यू रखने की मोटिवेशन मिलेगी। 3, लंबे समय तक हैबिट को कैसे कंटिन्यू रखें, टाइम एंड प्लेस। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो दो काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम सेट कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करोगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस टाइम लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब डिसाइड कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ बैठकर लिखेंगे, तो टाइम एंड प्लेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। 4, टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको 2-3 गुना या इससे भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 20 या 25 मिनट किताबें पढ़ें, अगर राइटर बनना चाहते हैं तो 30 मिनट राइटिंग करें। ऐसे ही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप कर देंगी। 5, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदलें। क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं, लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपको पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है, लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए, पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। 6, आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगोगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक न एक दिन ज़रूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर जाएं या शादी करके आपसे दूर चले जाएं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी और अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उचित फैसला लीजिए। 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोले कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप, सिटअप्स या रनिंग।
जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसा ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, और आई लव पेन बोले। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे। 8, फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल ऊपर बताया गया है। 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती। भागोगे तो जल्दी थक जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागता रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं। बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ हो जाएगी शुरू। यह सब ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, न कि 24 घंटे भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए। लाइफ को फुल इंजॉय कीजिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट। और वो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 10th, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन सही रास्ता चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचें कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। बहुत से लोग तो यूट्यूब पर वीडियोस ही देखते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब एक जंगल है। जितना अंदर जाते हैं खो जाते हैं। एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं और फिर एक्शन कब लेंगे? इसलिए ओवरथिंकिंग से बचे और एक्शन ले। आप भी पैसिव इनकम बना सकते हैं। 11th, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रोल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं और टालते रहते हैं, और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले, आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले, इस काम को 2 मिनट दो। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन न हो तो ब्रेन को बोलो, चलो 2 मिनट कर ले। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है। क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर आप 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोलो, चलो 2 मिनट में फर्स्ट रिवीजन कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही पढ़ने लगोगे, 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो Amazon से मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो और नई आदत डालना चाहते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।